गाइज अगर आप प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, यू हैव सेट अप परचेज वेरिफिकेशन और आप प्ले स्टोर ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस के साथ सीखने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक पूरा देखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपके सामने पॉपअप आ रहा है और आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने ये जो भी ऑप्शन आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गूगल की तरफ से फीचर है। ये फीचर तब काम आता है अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई गेम परचेज करते हैं, तो ऐसे में आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा या फिर आपके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक से वेरीफाई हो जाता है। आप इसे फेस कैम से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा या फिर अगर आप पासवर्ड डालते हैं वो वेरीफाई होगा, तब जाके आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी गेम परचेज कर पाएंगे। ये फीचर इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे आपसे फोन लेकर कोई बेमतलब का गेम डाउनलोड ना कर पाए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में भी हमारे कुछ पैसे पड़े हुए होते हैं। गूगल प्ले स्टोर का जो वॉलेट होता है उसमें भी कुछ लोग पैसे रखते हैं, वो पैसा वेस्ट हो जाता है अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर गेम परचेज हो जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये फीचर लाया गया है। बस आपको करना क्या होता है, आप या तो यूज पासवर्ड पर टच करेंगे या फिर आप यूज बायोमेट्रिक पर टच करेंगे। आप अगर यहाँ पर यूज बायोमेट्रिक पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के लिए एक पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फिंगर वेरीफाई करना है और जैसे ही आपका फिंगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपके फोन में प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बस अब यहाँ पर आपका जो बायोमेट्रिक है वो ऑन हो चुका है। अब ये देखने के लिए बायोमेट्रिक ऑन हुआ है या नहीं, आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर टच करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करेंगे और सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज वेरिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर एनेबल हो चुका है। अब ऐसे में कोई भी अगर हमारे फोन से गेम परचेज करने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर हमारे थंबनेल की जरूरत पड़ेगी, हमारे फिंगर से बायोमेट्रिक ऑथोराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके कोई भी ऐप या फिर गेम हमारे फोन से परचेज हो पाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।